नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ललित कुमार गंगेले अपने चैनल के एक और वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, आज का शीर्षक है कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल ऑफ केस टेकिंग। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि भविष्य में मैं इस चैनल के ऊपर लाइव सेशन और लाइव क्लिनिक भी करना चाहता हूं, पर उसके लिए मुझे एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स चाहिए, जो कि जितने ज़्यादा हों उतना बेटर है, क्योंकि लाइव सेशन में तभी मज़ा आता है जब ज़्यादा से ज़्यादा सवाल पूछने वाले हों, जिनके जवाब मैं दूं तो मोस्ट ऑफ द लोगों का उसके अंदर बेनिफिट है। और सबसे पहले मैं एक चीज़ और बता दूं कि अगर आप केस टेकिंग डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है अपने चैनल पे, उसका जो लिंक है मैं आई बटन में ऊपर दे दूंगा। बट ये जो वीडियो है ये सिर्फ इस बारे में है कि व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल ऑफ केस टेकिंग, जो जनरली हम में से बहुत से डॉक्टर ब्रेक करते हैं, उसके बाद वो गलत कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। तो वो जो नियम है कि कीप इट सिंपल, इट इज़ एज सिंपल एज दैट। देखिए, मेरे एक्सपीरियंस से कि जितनी ज़्यादा केस टेकिंग को हम सिंपल रखने की कोशिश करेंगे, वो उतनी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स हमको उस केस टेकिंग से मिलने वाले हैं। मतलब कहने का है, देखिए, डाटा सबको अच्छा लगता है, डाटा लेना अच्छी बात है, पर डाटा के अंदर जितनी भी चीज़ें हमको एक पेशेंट से मिलती हैं, देखिए, हम दो प्रकार की चीज़ें पेशेंट से लेते हैं। थोड़ा सा डिटेल में समझिएगा इस चीज़ को। हम दो प्रकार की चीज़ें पेशेंट से लेते हैं, एक तो पेशेंट की प्रेजेंटिंग कंप्लेंट, कि पेशेंट मेरे पास क्या कंप्लेंट लेकर आया था, ठीक है। तो एक तो वो चीज़, जो कुछ सिम्टम हमको पेशेंट आकर बताएगा कि सर, मेरे को एक माइग्रेन का पेशेंट हूँ मैं, मेरे को पिछले डॉक्टर ने माइग्रेन डायग्नोज करा था और माइग्रेन के मेरे अंदर ये लक्षण है, कि मे भी उसको एक वन साइडेड हेडेक होता है, हेडेक इज एसोसिएटेड विद द ब्लरनेस ऑफ विजन, ठीक है ना, उसको वॉमिटिंग भी होती है एट द कमेंसमेंट ऑफ, व्हेन द हेडेक इंक्रीजेस टू अ सर्टेन पॉइंट, उस पे जाके उसको वॉमिटिंग होती है और हेडेक के टाइम पे उसके अंदर कई सारी चीज़ें होती हैं। तो अब इस केस को अपन एक एग्जांपल रख के देखते हैं कि व्हाट शुड बी अवर अप्रोच, ठीक है ना। तो एक डाटा जो हमको मिल रहा है, जो हमको वो बता रहा है, और जो दूसरा डाटा उसमें हम एड ऑन करते हैं, वो हमारे सवाल होते हैं, है ना। और मैंने कई केस टेकिंग के वीडियोस देखे हैं, मैंने कई अपने कलीग्स के साथ बैठता हूँ, तो उसमें से मैंने कई ऐसे लोगों को भी पाया है कि उनके पास एक 4 या 5 पन्नों का पूरा एक फॉर्म होता है, वो फॉर्म को पूरा फिलअप कराते हैं, उसके अंदर सारा होता है, पेशेंट का पर्सनल हिस्ट्री होता है, फैमिलियर हिस्ट्री होता है, मैटरनल पैटर्नल हिस्ट्री होता है, पास्ट हिस्ट्री होता है ना। तो इसके अंदर बस मेरा एक पॉइंट यह है कि मैं, देखिए, किसी को यहाँ पे प्रैक्टिस के तरीके को क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं आया हूँ, बस मैं आप लोगों का ध्यान उस एक मेन पॉइंट की तरफ ले जाना चाहता हूँ कि इसको सिंपल रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि मैंने ये देखा है, कई मेरे को जो स्टूडेंट्स और मेरे कलीग्स बताते हैं कि वो जब केस के अंदर ज़रूरत से ज़्यादा डाटा ले लेते हैं, क्योंकि देखिए, पेशेंट के पास बताने के लिए बहुत सी चीज़ें होती हैं। एक पेशेंट को जब एक लायक डॉक्टर मिलता है तो फिर गड़े मुर्दे निकलना चालू होते हैं। अब वो माइग्रेन तो बताएगा ही बताएगा, वो माइग्रेन के साथ 1760 चीजें और बताने वाला है मेरे को, ठीक है ना। और हम लोग जनरली सिम्टम्स मिलने पे बड़े खुश हो जाते हैं, पर मेरा सवाल ये है कि आपको जितना डाटा मिला, मतलब दो डाटा की बात हो गई है, एक तो पेशेंट ने जो दिया और जो दूसरा मैंने लिया, वो डाटा मेरे लिए कितना रिलीवेंट है, और क्या उसके अंदर हर एक पॉइंट उतना ही इंपॉर्टेंस का होता है? नहीं होता। मेरे कहने का मतलब है, देखिए, बॉडी लैंग्वेज, शरीर क्या करता है, शरीर को जब किसी एक स्पेसिफिक एस्पेक्ट की मेडिसिन चाहिए होती है, तो वो उस स्पेसिफिक एस्पेक्ट में जाके लक्षणों को दर्शाता है। बार 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 चीख रहा है, मतलब इसकी बॉडी को एक ऐसी दवा चाहिए जो इसके माइग्रेन के एस्पेक्ट तक लिमिटेड रहे। आप मेरी बात समझिए, तो उसका जो माइग्रेन, हमारा जो केस टेकिंग है और जो हमारा सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन होगा, दैट विल डेफिनेटली गोइंग टू रिवॉल्व अराउंड द ऑल द मेडिसिंस विच आर इंडिकेटेड इन द माइग्रेन। अब यहां पे दो प्रकार की मेडिसिन निकलती हैं, एक तो निकल सकती है क्लिनिकल मेडिसिन की, आयरिस वर्सिकुलर और सेंग्विनेरिया सबको पता है, ये बहुत अच्छी दवाइयां हैं, पर इन दोनों के साथ एक प्रॉब्लम है कि ये उतना प्रॉपरली होल्ड नहीं करती है, शॉर्ट टाइम के लिए एक्ट करती हैं।
कि अगर हमने 100 माइग्रेन के पेशेंट को इनको दोनों को दिया तो फिर वो 100 में से लगभग 90 पेशेंट को रिलीफ तो होगा, पर वो सही नहीं हो पाएंगे क्योंकि वो क्या है, पेलिएट हो जाएंगे। पेलिएट नहीं कहना चाहिए इसको, एक्चुअली इन दवाओं का जो मायस्मेटिक और कॉन्स्टिट्यूशनल होल्ड उतना अच्छा नहीं है। तो केस टेकिंग के अंदर अब पेशेंट की शब्दावली के ऊपर आप गौर करिएगा, क्योंकि मेरे पास आज तक 1000 से ऊपर माइग्रेन के केसेस आए और उसके अंदर ज्यादातर पेशेंट ने ये ही स्टेटमेंट दिया। और क्योंकि मैं क्लिनिकल प्रिस्क्राइबिंग करता हूं तो मैं कई बार एक से ज्यादा मेडिसिन को यूज करने की कोशिश करता हूं। तो ये जो पेशेंट है, मैंने अपनी केस टेकिंग के अंदर एक सवाल करा बस कि भाई जब आपको माइग्रेन होता है तो आप देखो, सबसे बढ़िया केस टेकिंग को सिंपल रखने का तरीका है बॉनिंग होसन का जो तरीका था, जो उनने सेंसेशन, लोकेशन, मॉडिलिटी एंड कॉन्कोमिटेंट जो वो जिस तरह से ढूंढते थे, हमको उससे बहुत कुछ पता चलेगा कि भाई सेंसेशन क्या है, भाई पेन है, कैसा पेन है, यूनिलेटरल पेन है। हम देखो सिंपल रखने के लिए ही कोशिश कर रहे हैं, और फिर मैं कॉम्प्लिकेटेड पार्ट भी बताऊंगा कि इसमें कई डॉक्टर किस तरह से इसी सिंपल केस को कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, देन दे लैंड ऑन द एंटायरली डिफरेंट एंड इनकरेक्ट मेडिकेशन और बंदे को फायदा नहीं होता। कैसे? सेंसेशन क्या है भाई, मेरे को वन साइडेड हेडेक हो रहा है, ठीक है ना, ये सेंसेशन है उसका। सेंसेशन कौन सा है? पेन। और उसमें और अगर और डेप्थ में जाए तो जब जनरली माइग्रेन का हेडेक थ्रॉबिंग और पल्सेटिंग होता है, तो कैसा पेन है? पल्सेटिंग पेन है, वन साइडेड पेन है, आइदर ऑन द राइट साइड और लेफ्ट साइड, ठीक है ना। लोकेशन क्या है? लोकेशन भैया टेम्पोरल रीजन है, टेम्पल के अंदर पेन हो रहा है, जनरली टेम्पोरल रीजन में ही इन लोगों को हेडेक फील होता है। मॉडलिटीज, व्हाट आर द मॉडलिटीज, यहाँ पे मॉडलिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और मॉडलिटीज पूछने का सही तरीका है, भाई आपको क्या करने से बढ़ता है, क्या करने से घटता है? तो उसने मेरे को साफ बोला कि सर, व्हेनेवर आई अफेक्टेड दिस हेडेक, तो मैं किसी से बात नहीं करता, मेरे को ये एग्जर्शन से बढ़ता है, जब भी मेरे को मोशन मतलब चलता हूं फिरता हूं तो ये बढ़ जाता है, ये हीट से बढ़ता है, ठीक है ना, ये मेरे को कन्वर्सेशन से बढ़ता है, किसी से मैं बात करता हूं तो ये बढ़ता है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये हेडेक इरिटेबिलिटी के साथ एसोसिएटेड होता है। तो भैया आप कब इसमें चिड़चिड़े होते हो, आपको कब चिड़चिड़ाहट आती है इस हेडेक के दौरान? भाई जब मेरे बच्चे मेरे सर पे शोर करते हैं या कोई मुझसे बार बार कन्वर्सेट करता है, क्योंकि कन्वर्सेशन से हेडेक बढ़ता है तो मैं इरिटेट होता हूं, ठीक है। अब आपका अम्यूलोरेशन कैसे होता है? भाई अम्यूलोरेशन मेरे को होता है फुल आराम करने से। कब, आप कहां, किस सर्कमस्टेंसेस में आप आराम करना पसंद करते हैं? भाई मैं बंद कमरे के अंदर लाइट को बंद करके, फिर हमारा सवाल होना चाहिए लाइट क्यों बंद करते हैं? साहब लाइट इसलिए बंद करता हूं कि मेरे को ऐसा लगता है मैं लाइट की तरफ देख रहा हूं तो मेरे को पिंचनिंग होती है, मतलब मेरे को हेडेक कहीं ना कहीं बढ़ता लगता है, तो मुझे चाहिए शांति, अंधेरा कमरा, वहां पे मैं चुपचाप लेटता हूं, मीडियम पे पंखा चलाता हूं और मैं वहां पे जब आराम करता हूं और अगर मेरी नींद लग जाती है तो ये मेरा हेडेक रिलीव हो जाता है। तो भाइयों यहां पे क्या आपको ब्राइनिया नहीं दिख रही है? ब्राइनिया दिख रही है इसके अंदर, क्यों? उसको मोशन से एग्रेवेशन है, किसी भी प्रकार का मोशन उसको एग्रेवेट कर रहा है। वो जब लाइट की तरफ देता है, देखता है और उसके पीपल डायलेट होते हैं, वो मोशन भी उसके हेडेक को एग्रेवेट कर रहा है, जो मोशन नेसेसरी है टू गिव द आंसर ऑफ द पर्सन, मतलब उससे कुछ सवाल कर रहा है कोई और उसका आंसर देने में जो उसको मोशन करना पड़ रहा है, उसको बोलना पड़ रहा है, ये मोशन भी उसके हेडेक को एग्रेवेट कर रहा है और कंप्लीट रेस्ट से उसका जो हेडेक है वो कहीं ना कहीं एमुलोरेट हो रहा है ना। अब अगर ये वीडियो के अंदर टिल नाउ मैं आ गया हूं 8 मिनट पे और इसके अंदर मैंने पूरी भूमिका बनाई, तो क्या आप इस केस टेकिंग को अपने सामने 5 मिनट में नहीं पूरा कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए लाखों ऐसे डॉक्टर हैं जिनके पास हैं थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट और उनके पर डे हंड्रेड्स में पेशेंट होते हैं, तो क्या उस डॉक्टर के पास समय है इतना कि वो पूरा 7 पन्नों का फॉर्म भरवाए और जमाने भर की इसकी हिस्ट्रियां लेते बैठे? और एक शब्द जो मेरे पिछले वीडियो में भी मैं यूज करता हूं कि एनालिसिस इज इक्वल टू पैरालिसिस, हम एनालिसिस पैरालिसिस में ना पड़े, हम इतना डाटा ना ले लें कि हम डाटा को प्रोसेस ही नहीं कर पाए और कंक्लूड ही नहीं कर पाए और वो जो डाटा है हमको किसी गलत मतलब रिजल्ट के ऊपर, गलत डिसीजन के ऊपर लेकर के जाए। तो ये एक एग्जाम्पल था। अब आप इसको एक कॉम्प्लिकेटेड प्रैक्टिशनर इसको कैसे कॉम्प्लिकेट कर सकता है, वो भाई मतलब बहुत सारे इररिलेवेंट सवाल। और मैंने एक चीज देखी है कि एक होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर, इसमें आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, वो अपनी
ज्यादा सुनाता है पेशेंट को, पेशेंट की सुनने में हम लोग विश्वास नहीं रखते, जबकि डूज एंड डोंट ऑफ द केस टेकिंग में ये बताया गया है कि जब पेशेंट बोलेगा तो उसको इंटरप्ट नहीं करना है और उसको ऐसे सवाल नहीं पूछने हैं जिसका जवाब वो हाँ या ना में दे। आपको उसके मुंह में शब्द भी नहीं डालने हैं, आपको एक ऐसा सवाल करना है जिसका जवाब वो लाइंस में दे आपको, क्योंकि उन लाइंस के अंदर ही कहीं। और देखिए सबसे बड़ा मैं रूल केस टेकिंग का अपार्ट फ्रॉम द कीपिंग इट सिंपल ये है कि आपकी केस टेकिंग भले 2 मिनट की है या 2 घंटे की, अगर आपका अप्रोच सही है तो विद इन द फ्रैक्शन ऑफ मोमेंट आप मेडिसिन को समझ जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे मैं एक और चीज कहना चाहता हूँ कि मैंने कुछ सो कॉल्ड क्लासिकल प्रैक्टिशनर, सब देखिए एक बहुत बड़ा एक दो खेमे बन चुके हैं प्रैक्टिस में होम्योपैथी के, इसके लिए भी आगे वीडियो आएगा कि व्हाट इज क्लासिकल प्रैक्टिस एंड व्हाट इज क्लिनिकल प्रैक्टिस। तो कुछ क्लासिकल प्रैक्टिशनर्स के मैं वीडियो अपने फेसबुक पेज पे देख रहा था, तो उनने बोला कि जब पेशेंट एंटर हुआ तो फिर उसके अंदर उसके ये जेस्चर्स थे, उसके बोलने का तरीका था, उसका मुझसे बात करने का ये लहजा था, तो वहीं पे ही उनको कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनली दे हैड डिसाइडेड कि ये जो है ये इस मेडिसिन का पेशेंट है। दोस्तों ऐसा कतई नहीं होता है, उस पेशेंट ने तो अपनी बात कही ही नहीं। आप मतलब या आपने बहुत बड़ा रूल यहाँ ब्रेक कर दिया कि आप प्रिजुडाइज हो गए, जबकि डॉक्टर हैनीमैन कह के गए कि आपको अनप्रिजुडाइज होके प्रैक्टिस करनी है। मतलब आप सोचिए, आप तक रहे थे कि वो साला वहां से घुसेगा, वो घुसेगा तो आप वहां पे हंट करने के लिए बैठे हो, आप इसलिए नहीं बैठे हो कि उसकी क्या कंप्लेंट है वो हमको बताएगा, नहीं आप वो सुनना ही नहीं चाहते, आप सिर्फ इसलिए बैठे हुए हो कि आप उसके जेस्चर्स में, उसके चलने का तरीका, उसके बोलने का तरीका, उसका ग्लांस मतलब उसका नजरिया है ना, उसका अपना कंप्लेंट रखने का लहजा, उसके अंदर ही आप कहीं ना कहीं मेडिसिन ढूंढने लगते हो। भाई इतनी जल्दी क्या है, उसको आने दो, उसको बैठने दो, उसको बोलने दो अपनी चीज। पर मैंने कल एक वीडियो देखा, और मतलब मैं पहले भी देख चुका हूं, देखिए मैं बहुत पुराना खिलाड़ी हूं इस फील्ड का, मेरे को 15 साल हो गए काम करते करते, ठीक है ना। तो मैंने ये हजारों बार ये देखा है कि अरे वो आया और मैं तो पहले ही समझ गया था कि वो तो ये मेडिसिन का पेशेंट है। अरे भैया ऐसा नहीं होता भाई, और मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो जरूर लाऊंगा कि क्या क्लासिकल प्रैक्टिस सही है या क्लिनिकल प्रैक्टिस सही है, और उसमें मैं कारण भी बताऊंगा कि भैया ये दो खेमे क्यों बन चुके हैं। भैया आप अपनी फील्ड में ही पहले ही जिसकी इज्जत लोग नहीं कर रहे हैं, होम्योपैथी को कोई ऐसी इज्जत नहीं हो रही, अभी भी थर्ड वर्ल्ड पैथी बोलते हैं, एंड अभी भी वी आर इंक्लूडेड इन द ब्रांच ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन, हमको मेन स्ट्रीम पैथी मानते ही नहीं है। उस पे भी अगर आप फील्ड को तोड़ोगे दो हिस्सों में, आपने इसका विभाजन करके रखा हुआ है, और ये जो दोनों खेमे वाले हैं एक दूसरे की जान के दुश्मन है। मैं खुद मेंटल वालों का दुश्मन हूं यार, मैं क्या बताऊं, मैं खुद जो लोग क्लासिकल अपने आप को सो कॉल्ड कहते हैं, मैं कहीं ना कहीं विरोधी हूं उस चीज का, क्योंकि वैसा कुछ होता ही नहीं है। तो दोस्तों मैं समझ गया, मैं समझता हूं कि आप इसके अंदर मेरा पॉइंट जो है देख चुके हैं कि क्या है कि यू हैव टू कीप द केस टेकिंग सिंपल। आप जितना सिंपल इसको रखेंगे उतना जल्दी मेडिसिन पॉपअप होके आएगी। और एक बात बताइए ना, पेशेंट के अंदर कुछ भी ढूंढने नहीं पड़ता, उसके जो मेन रेड लाइन सिम्टम्स हैं वो खुद चिल्ला चिल्ला के बताता है। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी को जो दवा चाहिए वो सिम्टम्स के थ्रू वो पेशेंट को बताती है कि अब somebody having pain in the abdomen, तो फिर वो abdominal pain को ही consider करना है हमको, और कायदे से इस acute abdominal pain में हमको और कुछ पूछने की आवश्यकता ही नहीं है, बस आप sensation, location, concomitant और modalities ढूंढिए, medicine आपके सामने होगी, आप medicine दीजिए and he will get cured at once, बिल्कुल तुरंत फायदा होगा। तो दोस्तों इस पूरे टॉपिक और ऐसे और controversial टॉपिक पे वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और बहुत जल्द आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होती है। नमस्कार।